Sitting at 3500 feet above sea level is this beautiful, beautiful hill station of Western Ghat is Valparai. किसी ने सही कहा है, ये अपने आप में सेवेंथ हेवन के लायक है. बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ आपको फॉरेस्ट, ग्रीन वैली से सराउंडेड ब्यूटीफुल टी स्टेट्स देखने को मिलते हैं एंड व्हाट नॉट. आइए चलिए आज के इस ब्लॉग में ब्यूटीफुल से वालपराई को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि तमिलनाडु का एक अच्छा सा हिल स्टेशन है. हे एवरीवन, नमस्ते फ्रॉम वालपराई. एंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जितने दूर तक देखोगे, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वालपराई में सिर्फ चाय का बागान ही देखने को मिलेगा. वालपराई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आज के इस ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करूंगी वालपराई और कौन कौन सी वो खास जगह है जो आप यहाँ आते हो तो घूम सकते हो. सीनिकली ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, रोड्स बहुत अच्छे हैं. तो आइए चलिए मेरे साथ आज के इस एपिसोड में वालपराई एक्सप्लोर करते हैं. तो व्लॉग में, ट्रैवल व्लॉग में बेसिकली आगे बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सुबह उठे थे कुछ इस व्यू के साथ, सामने एक वाटरफॉल, बस वही नदी बहती हुई दिख रही थी. अमेजिंग सा व्यू था, बहुत खूबसूरत लग रहा था सुबह सुबह ये व्यू देख के, एकदम जो बचपन में पेंटिंग आप इमेजिन कर सकते हो कुछ वैसा. और फिर उसके बाद बारी थी गर्मा गर्म मस्त वाला ब्रेकफास्ट का. ये बेसिकली होममेड ब्रेकफास्ट था जो यहाँ इस, ये जो मिस्टी क्रीक है ना, इस प्रॉपर्टी के ओनर ने हमारे लिए बना कर भेजी थी. सो एवरीथिंग वाज वेरी हॉट और गर्मा गर्म इडली था, इडली के साथ सांभर, सांभर चटनी, पोंगल था और वड़ा वगैरह भी था, है ना. सो मस्त वाला हम अच्छे से व्यू के साथ कुछ अमेजिंग सा नाश्ता किए और नाश्ता करके फटाफट बारी थी जाकर वालपराई को एक्सप्लोर करने की. आइए चलिए चलते हैं और आपको वालपराई की एक झलक देती हूँ. ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वालपराई इज ब्यूटिफुल गॉर्जियस चाय के बागान आपको देखने को मिलेंगे, टी स्टेट्स मिलेंगे, ब्यूटिफुल रोड्स, चारों तरफ ग्रीन वैलीज, बीच में रिवर एंड व्हाट नॉट. और आप सब भी कुछ इस तरह के चैलेंजेस के लिए प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहिएगा. हॉन्ग करते हुए यहाँ के घाट रोड्स पे गाड़ी चलाइएगा, काफ़ी नैरो रोड हैं. बाय द वे, ये सामने वाले जो बस है ना, इसके ड्राइवर साहब जो थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी पीछे कर ली थी और हमें कंफर्टेबली यहाँ से क्रॉस करने का मौका दिया था इन्होंने, है ना. तो कुछ 200 मीटर्स का ऑफ रोडिंग है, रास्ता बहुत पतला रहेगा बालाजी टेम्पल तक आने का. सो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी बसेस वगैरह भी नीचे की तरफ डाउनहिल जाती रहती हैं, तो हॉर्न करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ाइएगा ना, तो इजी रहेगा. सामने वाले को मैसेज मिलता रहेगा कि एक गाड़ी है जो आ रही है, तो दे विल स्टॉप और वेट एट अ प्रॉपर प्लेस, है ना. सो इस चीज़ का आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा. और ये सिर्फ 200 मीटर का इश्यूज़ है, लेकिन ऐसे भी पूरे घाट रोड्स में बसेज यहाँ थोड़ा चलता रहता है. यहाँ का लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. जस्ट बी कॉशियस एंड हॉर्न करने से पीछे मत हटिएगा जहाँ भी टर्न्स और बेंड्स हो. सो यस, आइए चलिए हम आज का पहला लोकेशन पे आ चुके हैं, जो कि है बालाजी टेम्पल लोकेशन. अंदर मोस्टली शूटिंग या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जो मैं करूँगी भी नहीं. आराम से आपको बाद में बताती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. बहुत सीनिक लोकेशन पे है ये टेम्पल और यस, हम लोगों का नंबर वन लोकेशन आज का द बालाजी करमलाई बालाजी टेम्पल है. फाइनली हम लोग 250 मीटर का वॉक करके आई एम हियर एट द बालाजी टेम्पल, करमलाई बालाजी टेम्पल. चलिए देखते हैं अंदर, अगर शूटिंग अलाउ करते हैं तब करूंगी, नहीं अलाउ करते हैं तो फिर आपको एक बाहर से व्यू दे देती हूँ, है ना. चलिए चलते हैं, बहुत ही सीनिक लोकेशन पे है ये टेम्पल. आपको चारों तरफ टी स्टेट्स दिखेगा, फ्लावर के प्लांट्स दिखेंगे खूबसूरत मेरे बैकड्रॉप में देखो, एंड बीच में ये मंदिर है ना. सो बहुत ब्यूटिफुल है अपने आप में. आइए चलिए लेकर चलती हूँ आपको. सो बहुत अच्छे से हमने बालाजी के दर्शन कर लिए
और उसी सेम प्रमाइसिस में लक्ष्मी माता का भी मंदिर है और बजरंग बली का भी मंदिर है। शूटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं था, पंडित जी लोग काफी स्ट्रिक्ट थे इस चीज के बारे में, तो मैंने शूट किया भी नहीं। आप आइए और खुद से इस जगह को विटनेस कीजिए और यहाँ पे आके दर्शन कीजिए। आइए चलिए लेकर चलते हैं अब आपको हम अपने अगले लोकेशन में। तो टेंपल के पास में ही जब आप ऊपर चढ़ना चालू कीजिएगा तो एक क्यूट सा शॉप है और कुछ टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हैं, चाय वाय पी रहे हैं। तो देखिए काफी सीनिक लोकेशन में ये क्यूट सा शॉप है, इधर पूरा टी स्टेट है। अंकल बता रहे थे उधर हाथी लोग बहुत उत्पात मचाया है रिसेंटली, शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ से क्रॉस करता है। सो यस, और इधर से ही आप चढ़ के ऊपर जाते हो टेंपल के पास, है ना। आइए फटाफट लेमन टी पीते हैं, मिस्टर डीके लेकर आ रहे हैं। आ हा हा हा, थैंक यू मिस्टर डीके। मैं भी लाइफ में पहली बार लेमन टी ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत टेस्टी बना हुआ है। कौन सा होटल जाएगा विवान? दूसरा होटल। अच्छा दूसरा होटल, ठीक है विवान, ले चलेंगे दूसरा होटल घूमने। घर नहीं चलेगा? घर नहीं जाएगा, दूसरा। अरे वो तो सुन लिए, घर जाएगा कि नहीं ये बताओ। नहीं, स्कूल जाएगा कि नहीं? नहीं, नहीं, ट्यूशन जाएगा? ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके ठीक है होटल चलेंगे। यार इतने देर में पता है मेरा फेवरेट क्या चीज़ है वालपराई में? ये जो ब्यूटीफुल नदी बहती हुई दिख रही थी अलग अलग जगह पे चाय के बागान के बीच से, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। सो हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ निकल चुके हैं विच इज नालामुड़ी व्यू पॉइंट। आइए चलिए आपको नालामुड़ी व्यू पॉइंट का एक व्यू देती हूँ और उसके बाद हमारा प्लान है लंच करने का। अभी 12:56 हुआ है, चलिए लेकर चलती हूँ आपको ब्यूटीफुल सा एक और व्यू पॉइंट दिखाने। कितना ही मैं दिखाऊं आपको टी स्टेट का, जिधर जाओ उधर टी स्टेट है भाई साहब। और खूबसूरती की तो भरमार है इस जगह पे, मतलब मुझे लग रहा मेरा कैमरा एक मिनट भी बंद नहीं होना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए। बस पहुंचने वाले ही हैं नालामुड़ी व्यू पॉइंट पे और ये रहा नालामुड़ी व्यू पॉइंट, आइए चलिए इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं नालामुड़ी व्यू पॉइंट पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे ना अभी बंद कर रखा है क्योंकि एलिफेंट्स आ गए थे अंदर, तो इसीलिए अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं और अंदर व्यू पॉइंट के पास जाने के लिए कुछ आई थिंक 300-400 मीटर्स आप अंदर वॉक करके जाते हो तो देन यू कैन सी दैट पॉइंट। और फिलहाल तो क्लोज है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एलिफेंट्स आ गए थे, तो इसलिए नॉर्मल पब्लिक के लिए अभी क्लोज है। सो यस दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट्स ब्यूटिफुल। और वेदर का तो क्या ही कहना, कुछ 19-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड दिस प्लेस हैज सो मच ऑफ ब्यूटी टू ऑफर। अबाउट दिस नालामुड़ी व्यू पॉइंट, व्हाट वी कैन सी एंड एक्सपेक्ट इफ वी गो टू दैट प्लेस नालामुड़ी व्यू पॉइंट? ट्राइबल्स वीडल अंदरिंग है। ओके ट्राइबल पीपल वी कैन सी। ओके फॉल्स, फॉल्स आल्सो, फॉल्स व्यू एंड यू टोल्ड मुन्नार, मुन्नार व्यू आल्सो विल कम बैक साइड हाईएस्ट पीक। ओके हाईएस्ट पीक, ओके अन्नामुड़ी हाईएस्ट पीक, ओके दैट वी आल्सो विल कम हियर ओनली, अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू गो। सो यहाँ फॉरेस्ट रेंज है करके ड्रोन भी नहीं फ्लाई कर सकते हैं और जैसा कि भैया ने बताया अन्नामुड़ी जो हाईएस्ट पीक है उसका आपको व्यू मिलता है, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू बट नो एंट्री फॉर टूडे। सो ये जो क्लिप्स है ना ये मैंने किन्हीं से मांगी है एंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया
कि कैसा है इसका फील, मतलब इस जगह का नालमुड़ी व्यू पॉइंट का, और वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर आपका प्लान हाथी चौपट ना करे, हाथी जी जो हैं, तो आप इस जगह को अंदर तक देखने ज़रूर आइएगा। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और इस जगह से आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है मुन्नार के बैक साइड का भी। चाय पियेंगे भैया के शॉप से और फिर यहाँ से निकलते हैं अगली लोकेशन की टूवर्ड्स। मोस्टली खाना खाएंगे, बीच में खाना खाएंगे कहीं अच्छे से। पार्सल हमने मार्केट से ही करवा लिया था, बेसिकली मील्स वगैरह और मिस्टर डीके का चिकन बिरयानी है। तो बस प्लान है कहीं रुक के अच्छे से जगह पे, एक किसी टी स्टेट के आसपास ही रुक के खा लेंगे और फिर जाएंगे अगले लोकेशन के टूवर्ड्स, है ना। मस्त वाला चाय, स्पेशल चाय का डिमांड किया है हमने, एंड अन्ना इज मेकिंग अ गुड टी फॉर अस। सुपर, थैंक्स अन्ना। नाइस क्यूट शॉप, यू हैव लॉट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक चाय एंड ऑल, जो आप यहाँ अगर आओ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मैं और मेरी चाय इस चाय बागान के बीचों बीच मजे उठाते हुए। ओह, एंड चाय भी बहुत अमेजिंग बनाया है भैया ने, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लग रहा है। सो टाइम हो चुका है लंच का, कुछ 2:30 के आसपास हो रहा है। चलिए फटाफट यहाँ से नालमुड़ी व्यू पॉइंट से निकल चुके हैं, एक मस्त वाला चाय बागान दिखे और हम वहाँ पे लंच कर लेंगे, है ना। तो देखिए हम एक ब्यूटीफुल से टी स्टेट में रुके हैं, बेसिकली दिस इज शोलायर टी स्टेट। बस रुके हैं और फटाफट यहीं पे आज का खाना है, ये मेरा वेज मील्स है, मेरा और विवान का घी भी सब ले आए हैं, सान देंगे अच्छे से, खिला देंगे थोड़ी सी सब्जी के साथ, रायता है, सांभर है, सब्जी है ड्राई, है ना, मोर देन एनफ कि पेट भर जाए और टेस्टी भी लगता है तमिल स्टाइल का मील। विवान मील्स के लिए रेडी? ओके चलो खाते हैं। मेरा वल पराई चिकन बिरयानी है, पता नहीं कैसा टेस्ट है, बट ऑब्वियसली नया जगह का खाना ट्राई करना चाहिए, देखते हैं खा करके कैसा निकलता है। एग वेग चिकन विकन सब डाल रखा है। सो चलिए मस्त वाला लंच करके अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। सो आइए चलिए लेकर चलती हूँ आपको वेल्लमलाई टनल रिवर पॉइंट जो है, और टनल के शेप में है और वो ना टनल जो है अंदर अंदर जाके चिन्ना कलार तक कनेक्ट करता है। सो आइए चलिए लेकर चलती हूँ आपको वेल्लमलाई टनल रिवर दिखाने, है ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वलपराई में आओगे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें से कुछ ना रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था ना वलपराई में, कुछ बच्चे ड्राउन हो गए थे एक्चुअली नहाने के टाइम पे, तो उसके वजह से ये इंसिडेंट जो खराब सा हुआ उसके वजह से लॉक करके रखे हैं, काफी सारे जगहों पे बैनर्स वगैरह टांग दिए हैं और टूरिस्ट लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं रिवर के अंदर जाने के लिए, विच मतलब क्योंकि और रिस्की मार्क कर दिया गया है इन जगहों को। सो यस, एकदम क्लोज एक्सेस तो नहीं मिल पा रहा है, तो वही है जितना दिखा पा रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दैट इज देयर। सो दिस राइट हैंड साइड पे जो भी चर्च पास हुआ, इट कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द लैंडमार्क, और यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, सो उसको भी आप एज इन लैंडमार्क ट्रीट कर सकते हो। यहाँ एक्चुअली वो केरला के लैंग्वेज में लिखा हुआ, मलयालम में लिखा हुआ, तो मैं रीड नहीं कर पाई, बट येस दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, और इसी के पास में आपको वो टनल देखने को मिल जाता है। फिलहाल तो ये लॉक्ड है, तो आप पास में जाकर कुछ फोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हो, नहीं तो ये लग रहा था ये जगह काफ़ी सीनिक अपने आप में। ओके है, अ गुड फॉर लाइक यू नो, यू कैन डेफिनेटली व्यू दिस एंड इट्स डिसेंट। तो चलिए वेल्लमलाई टनल से व्यू पॉइंट से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अब हम टूवर्ड्स एक और रिवर व्यू पॉइंट, विच इज कुलांगल रिवर,
आइए चलिए आपको उसका एक व्यू देती हूँ। सो ये हमारी भेल रेडी हो रही है और अंकल बना के दे रहे हैं। बैकड्रॉप में कुलंगल रिवर व्यू पॉइंट है जो हम जाएंगे आपको दिखाने, और बहुत सीनिक से स्पॉट पे है। यहाँ सब रुक रहे हैं एंड दे आर टेकिंग देयर ब्रेक विद दिस झालमुड़ी, है ना। सो एकदम टी स्टेट के बीचों बीच बहता हुआ ये खूबसूरत सा नदी कुलंगल रिवर जो है, ये अपने आप में बहुत सीनिक है। एकदम साफ सुथरा पानी आपको इसका देखने को मिलेगा, एकदम क्लीन वाटर बहती है। और दूसरी बात, ये लोकेशन अपने आप में बहुत सीनिक है, तो यहाँ तो आइएगा तो कुछ समय ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। नदी के पास बैठिए, आप नदी के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसी वार्निंग नहीं दे रखी गई थी, है ना। सो बहुत ही सीनिक स्पॉट है ये। आप यहाँ आओगे लंच या शाम के समय और खूबसूरत सा माहौल हो जाता है, कुछ और लोग भी आपको दिखेंगे। थोड़ी सी लिटरिंग का इश्यूज है यहाँ पे, नहीं तो ऐसे जगह नदी वदी का किनारा बहुत क्लीन है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इट कुड हैव बीन मोर क्लीन बट इट्स ओके। और नेचुरल आपको ये जो पानी मिल रहा है एकदम साफ सुथरा है, जैसा आपने फुटेज में देखा होगा। तो बहुत मजा आएगा इस जगह को शाम को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ी नदी के पास बैठ कर टी स्टेट का मजा उठा के यहाँ जरूर आइए। कुछ ब्यूटीफुल 4-5 लोकेशंस इन एंड अराउंड वलपराई कवर किए हैं। आप 1 या 2 दिन के ट्रिप पे वलपराई आते हो ना, तो इन जगहों को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत खूबसूरत सा जगह है ये, आइए वलपराई घूमिए, इसको नीट एंड क्लीन रखिए। बहुत सुंदर जगह है, लेस टूरिस्ट, है ना, एंड यू कैन सी द नेचर ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। तो आइएगा यहाँ कुलंगल रिवर के पास, तो अंकल का स्टॉल रहता है भेल का, टू सपोर्ट हिम ऑल्सो। 1 भेल 2 भेल जरूर लीजिएगा। बाय अंकल। आइए चलिए आपको शोलायर डैम का एक व्यू दे देती हूँ, जो हमने लास्ट टाइम जब हम अथीरापल्ली से वलपराई आ रहे थे तो हमने कैप्चर करी थी। एंड इट इज ऑल्सो अ टूरिस्ट स्पॉट, कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ये मिस्टी क्रीक या वलपराई टाउन से। और मेरे पीछे में आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा होगा, सो दिस इज शोलायर डैम। काफी खूबसूरत है, काफी सीनिक है, जस्ट लुक एट द ट्रू ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। पीछे वो मिस्ट कवर्ड एक छोटा सा ग्रीन वैली है, एंड मौसम का तो क्या ही कहना, ठंडा वेदर हो रखा है, एंड इट्स अमेजिंग हियर इन वलपराई, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life, call. ये था कुछ शोलायर डैम का ब्यूटीफुल सा इवनिंग व्यू। और आइए चलिए सीधे आपको वलपराई की मार्केट की तरफ ले चलती हूँ। तो शाम का वक्त हो चला है और आइए वलपराई का आपको एक मार्केट का व्यू दे देती हूँ। छोटा सा टाउन है, 2 किलोमीटर्स पे ही स्प्रेड आउट है, और बहुत प्यारा सा आपको यहाँ का सब कुछ फील होगा। चलिए आइए आपको हम क्विकली एक मार्केट का ओवरव्यू देते हैं वलपराई का, है ना। और ये भी बता दूंगी लिमिटेड रेस्टोरेंट्स वगैरह के आपको ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली बताती हूँ ये जगह टूरिस्टी टाइप का नहीं है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत अबेंडेंस में है, आपको रिलैक्स करना है, साउथ इंडियन फूड के लिए यू आर फाइन, स्पेसिफिकली तमिल स्टाइल फूड, तो आप आराम से यहाँ आके मस्त वाला खाना भी इंजॉय कर सकते हो, रह भी सकते हो और नेचर का मजा उठा सकते हो। आइए चलिए मार्केट का व्यू देती हूँ।
इवान के लिए बनाना हाँ कितना सॉलिड बन वही अच्छा लग रहा है सी मस्त है ना गूगल पे कैश मात्रा सो ये रहा कुछ मार्केट का व्यू और यहाँ पे कुछ अमेजिंग ना आपको बेकरीज और रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर मार्केट में ही हैं तो आप कुछ स्नैक्स वगैरह ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ से आराम से ग्रैब कर सकते हो। बाकी डिनर जहाँ से हमने पार्सल कराया है उसका सबने अच्छा रिव्यू दिया उस होटल का जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। सो मोबाइल एटीएम भी हमने पहली बार यूज़ करा यहाँ पे और काफ़ी इजीली हो गया था लोग क्यू फॉलो कर रहे थे और क्या ही चाहिए है ना सो इट वाज रियली गुड। तो मिस्टर डीके ग्रीन हिल से क्या क्या ले लिए आप? मेनली चपाती और मिक्स वेज है। अच्छा और वही ये दो मेन आइटम है। अच्छा अच्छा और आई थिंक यही मुश्किल से मिल रहा है बट आई थिंक दिस इज अ गुड होटल आई थिंक यू हैव डिसेंट ऑप्शंस आउट हियर। सो ये बेसिकली है ग्रीन हिल होटल प्राइवेट लिमिटेड एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है लॉजेस भी है रूम्स अवेलेबल हैं जिसका टैरिफ यहाँ पे शेयर्ड है। देखिए अगर आप चाहो तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू वालपराई है ना। ये एक अच्छा होटल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर वालपराई आ रहे हो फॉर गेटिंग योर लंच और द मील्स। इनके पास ऑनलाइन ऑर्डर का भी ऑप्शन अवेलेबल है तो आपके ये डोर तक भी डिलीवर कर देते हैं एंड प्लस दे हैव स्टे ऑप्शंस टू। तो ये मैं यहाँ रही तो नहीं हूँ बट आई एम श्योरली यू कैन एक्सप्लोर दीज फ्यू प्लेसेस। ये सरवना ग्रैंड भी एक पीछे में बड़ा सा दिख रहा है तो ये सारी जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने ट्रिप में। हमारा मिस्टी क्रीक है ना वो घर ही है बेसिकली इट्स नॉट अ होटल और अ रिजॉर्ट सिंपल सा है। व्यू बहुत अच्छा मिलेगा बट एंट्रेंस वगैरह कुछ ऐसा ग्रैंड नहीं है बट इट्स ओके ओके टाइप but I felt little bit it's overpriced but it's okay so मतलब उस हिसाब से और better हो सकता था but ठीक है चलता है because the view it offers balcony spacious है तो overall it was a decent experience है ना at Mystic Creek also। तो ये तीन चार options मैंने आपको दे दिए हैं आपको जो select करना होगा आप कर सकते हो when you are traveling to Valparai so these are the places it's see Sarvana Grand और ग्रीन व्यू ये सब पूरा प्रॉपर मार्केट जो वालपराई का है ना वहाँ पे ही है। मिस्टर डी के सैलेड का इंतजाम कर लिए खाना हो गया रोटी सब्जी और सैलेड बन जाएगा गुड थैंक यू। सो चलिए होमस्टे की तरफ निकल गए हैं और मिलते हैं आपसे डिनर के टाइम पे। तो आज डिनर में है मिक्स वेजिटेबल जो कि हमने ग्रीन हिल से लिया है और रोटियां हैं प्रॉपर आटा की बनी हुई है और ये एकदम ताज़ा ताज़ा आज मिस्टर डीके लेकर के आए सब्जी मार्केट से और हमने कट करके उसका सैलड बनाया है एंड बॉक्स में डाल के रखे एकदम फ्रेश है आप देख पा रहे होंगे। मिस्टर डी के मुंह में पानी आ रही होगी आपको तो सैलेड देख करके रोटी का साइज देख लेकिन पतला है एकदम कागज की तरह पतला है ना या दैट इज हाँ दैट इज द बेस्ट पार्ट की आटे का है। चलिए टूट पड़ा जाए मिस्टर डी के आई एम ऑल्सो हंग्री और सैलेड देख के तो भूख और बढ़ रही है। व्हाट अबाउट यू? ऑब्वियसली चलिए सैलेड मेरा भी वीकनेस है राइट ठीक है ओके टेस्ट कैसा ठीक है स्पाइसी स्पाइसी नहीं ज्यादा नहीं है हल्का है ओके फिर उसको मना कर दिए थे। अच्छा हाँ नहीं खाया जाता यार पांच बार पानी पियो फिर एक बाइट खाओ। सो आइए चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा होगा
कुछ और जगह भी हम आने वाले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में, जहां हम जर्नी पूरी करेंगे वाया 40 हेयरपिन बेंड्स। सो देखते रहिएगा हमारे चैनल को, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।